हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मैं हूँ शर्वानी। मेरे चैनल में आपको मेकअप, स्किन केयर, डीआईवाई और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। सो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में पोस्ट नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ ना आपको नोटिफिकेशन मिले। आज का जो वीडियो है वो होने वाला है ह्यूज H&M हॉल वीडियो, और भी है बॉक्सेस नीचे। H&M पे ब्लैक फ्राइडे के टाइम बहुत ज्यादा सेल लगा था तो मैंने बहुत सारी चीजें ऑर्डर किया है, और ये मैंने फर्स्ट टाइम H&M से ऑर्डर किया है। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। कुछ चीजें जो मुझे पसंद नहीं आया वो मैं आपको वीडियो में पता चल जाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा स्मॉल या स्मॉल साइज ऑर्डर करते हो ये वीडियो आपके लिए ही है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना, अच्छी बात है। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो जो फर्स्ट आइटम है वो है ये रिप्ड बॉडी सूट, और फ्रंट में ऐसे बटन डिटेल्स है, और मेरा जो साइज है वो है एक्स्ट्रा स्मॉल। ये जो मटेरियल है बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और ये स्ट्रेचेबल भी है, और इसको पहनने के बाद ना मैं कंफर्टेबल फील कर रही थी जब मैंने इसको ट्राई की थी। और ये थोड़ा बहुत तो ट्रांसपेरेंट है, समर के लिए तो बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है। इसको मैं जीन्स के साथ या फिर ट्राउजर के साथ या फिर स्कर्ट के साथ पेयर अप कर सकती हूँ। और अगर फिटिंग्स की बात करो तो बहुत ही अच्छी फिटिंग्स है इसका, एकदम बॉडी हगिंग है। और अगर आप मेरे जैसे पतले हो ना तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा चीज़ होने वाला है क्योंकि बहुत ही अच्छे से ये फिट होता है। इसका एक्चुअल प्राइस और डिस्काउंट प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। नेक्स्ट मैंने ये कॉटन टॉप ऑर्डर किया था। ये एक सिंपल सा टॉप है घर में पहनने के लिए, समर के लिए तो बहुत ही अच्छा चीज है। और अगर इसकी मटेरियल की बात करूं तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और स्ट्रेचेबल भी है, थोड़ा बहुत ये ट्रांसपेरेंट है। और अगर मैं इसको बाहर पहन के जाऊंगी तो मैं इसको हाई वेस्टेड जीन्स के साथ या फिर ट्राउजर के साथ पेयर अप कर सकती हूँ। और अगर फिटिंग्स की बात करूं तो बहुत ही अच्छा फिटिंग्स है। मेरा साइज है शायद एक्स्ट्रा स्मॉल, सो फिटिंग्स बहुत ही अच्छे से हुई है। अगर मुझे कभी ये ब्लैक कलर में मिला ना H&M में, मैं पक्का इसको ऑर्डर करूंगी क्योंकि बहुत ही पसंद आया मुझे। स्पेशली ये इतना सॉफ्ट है ना, क्या बताऊं, समर के लिए तो बहुत ही अच्छा चीज होने वाला है। अगेन मैं इसका एक्चुअल प्राइस और डिस्काउंट प्राइस स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया था ये एक नॉर्मल टॉप, बस इसका जो स्लीव है वो लॉन्ग है। ये कॉम्बो में था, एक ब्लैक और एक व्हाइट ऑर्डर किया था। और इसका जो साइज है वो है पी या फिर एक्स्ट्रा स्मॉल। मटेरियल जो है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेबल है। इसको मैं एक बार पहनी थी, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रही थी, उसके ऊपर एक ब्लेजर डाली हुई थी, एकदम से ठंडी नहीं लग रही थी। और फिटिंग्स की अगर बात करूं तो बहुत ही अच्छा फिटिंग्स है, थोड़ा बहुत लूज होता है बट इट्स ओके। फिटिंग्स बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छा लुक देता है। इसको मैं स्टाइल कर सकती हूँ ब्लैक जीन्स के साथ या ब्लू जीन्स के साथ, बहुत ही एक अमेजिंग लुक आएगा। ब्लैक जीन्स, ये ब्लैक टॉप और ब्लैक ब्लेजर और ब्लैक बूट्स, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। मैंने एक बार ट्राई किया था इसलिए मैं बता रही हूँ, बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। और ओवरऑल ना ये टॉप बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लग रहा था, और ये भी सेम पैटर्न में ही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस कलर डिफरेंट है। नेक्स्ट मैंने ये टॉप ऑर्डर किया था, ये एक सेटिंग फिनिशिंग टॉप है, फ्रंट से ऐसे डिजाइन किया है जिसको टाई अप कर सकते हो। और मेरा जो साइज है वो है एक्स्ट्रा स्मॉल या फिर पी, और ये जो मटेरियल है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, एकदम भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, और ये स्ट्रेचेबल भी नहीं है। और इसको ना मैं जीन्स के साथ या फिर हाई वेस्टेड ट्राउजर के साथ पेयर अप कर सकती हूँ समर के टाइम, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। और बहुत ज्यादा मटेरियल जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, साइज है मेरा एक्स्ट्रा स्मॉल, फिटिंग भी बहुत ही अच्छी है। और इसका जो कलर है वो मैं क्या बताऊँ, मतलब मेरा तो फेवरेट टॉप बन गया है। मेरे पास ऐसे सेटिंग फिनिशिंग का और ऐसे कलर का कोई भी टॉप नहीं है, मुझे ये टॉप बहुत ज्यादा पसंद आया है। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया था ये शर्ट, फ्रंट से ऐसे डिजाइन किया हुआ है जिसको आप टाई अप कर सकते हो, और जो मेरा साइज है वो है एक्स्ट्रा स्मॉल। और इसका जो मटेरियल है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, स्ट्रेचेबल नहीं है बट ये बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट भी है, बहुत कंफर्टेबल है पहनने के बाद, और इसमें फुल स्लीव है। और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी ना, इसका मटेरियल बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, फिटिंग्स थोड़ा सा लूज है
पहनने के बाद बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लुक देता है। इसको मैं समर के टाइम जीन्स या हाई वेस्टेड जीन्स के साथ या फिर हाई वेस्टेड ट्राउजर के साथ पेयर अप कर सकती हूँ। समर के लिए तो बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। मुझे इसका मटेरियल बहुत पसंद आया है। ऐसे मटेरियल का ना मेरे पास कोई भी टॉप नहीं है। मैंने शीन से ऑर्डर किया था, मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था बहुत सारा, बट ऐसे मटेरियल का आज तक मुझे कोई भी चीज नहीं मिला है। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है इसका मटेरियल, तो मैं क्या और बताऊँ। बट इसका जो है ट्रांसपेरेंट और फिटिंग थोड़ा सा अगर और टाइट होता ना अच्छा लगता। घर में पहनने के लिए मैंने एक पीजे सेट ऑर्डर किया था। ये टॉप और ये पैंट ये सेटिंग फिनिशिंग का है और फ्रंट से ना ऐसे लेस का डिजाइन किया हुआ है और जो मेरा साइज है वो है एक्स्ट्रा स्मॉल। फिटिंग बहुत ही अच्छी आई है और जो मटेरियल है बहुत बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रही थी मैं इसको पहनने के बाद जब आया था ना ट्राई करके देख रही थी। फिटिंग्स बहुत ही अच्छी है और स्ट्रेचेबल नहीं है मटेरियल और ट्रांसपेरेंट भी नहीं है ये कपड़ा। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये टॉप को मैं बाहर भी पहन के जा सकती हूँ, जीन्स के साथ या फिर ट्राउजर के साथ पहन सकती हूँ और ऊपर से एक जैकेट डालूंगी, बहुत ही अच्छा लुक देगा। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है ये दोनों। इन दोनों को ना मैं ट्राई करके नहीं दिखा सकती क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड हो रखी है, तो सॉरी मैं इन दोनों का ट्राई करके नहीं दिखा सकती हूँ। अदरवाइज ये दोनों मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, स्पेशली जो मटेरियल है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। नेक्स्ट जो चीज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ उसको लेके ना मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने अपने लाइफ में कभी भी ये चीज ट्राई नहीं किया था। कोई भी शोरूम में जाके या फिर कोई भी शॉप में जाके ट्राई नहीं किया था, तो मुझे नहीं पता है कि ऑनलाइन मंगवाने से ये मेरे पे कैसे दिखेगा। जी हाँ, मैं एक ब्लेजर के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने नेक्स्ट जो चीज ऑर्डर किया था वो है एक ब्लैक ब्लेजर। इसको लेने के टाइम ना मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि मैं लू या ना लू, मेरे पे कैसा दिखेगा, सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रहे थे, साइज का भी चीज चल रहा था। तो मैंने जो चीज ऑर्डर किया था इसका वो है UK 4P। अगर आप मेरे जैसे पतले हो, एक्स्ट्रा स्मॉल या स्मॉल ऑर्डर करते हो, तो आप UK 4P ऑर्डर करना। जब मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ ना पूरा, तब पहले मैंने इसको ट्राई किया। ओ माय गॉड, उसको पहनने के बाद ना मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई क्योंकि इतना अच्छा फिटिंग ना मुझे और कोई भी कपड़े में नहीं मिला, इतना अच्छा फिटिंग। सच बोलूं तो मैंने मिंत्रा से बहुत सारी चीजें ऑर्डर किए थे, मैं शीन से भी ऑर्डर करती थी, कभी भी ना मुझे ऐसे फिटिंग वाले चीज नहीं मिले। आपने देखा होगा कि मेरे चैनल में शायद से 2 या 3 ही वीडियो का क्लॉथिंग के ऊपर। मैं ना ज्यादा खुश नहीं होती क्योंकि कोई भी कपड़ा अगर फिट नहीं आता है तो मतलब ही नहीं है खरीदने का, मतलब ही नहीं है वो दिखाने का, तो मैं बहुत कम कपड़ा खरीदती हूँ। और इसको लेने के टाइम में मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे एक ब्लेजर चाहिए था। बहुत ही अच्छा फिटिंग आया है, बहुत ही अच्छा फिटिंग आया है। ये स्ट्रेट कट में है और यहाँ पे ना ऐसे पॉकेट डिजाइन किया हुआ है जो एक्चुअली में नहीं है, ये ऐसे नॉर्मली है। और यहाँ पे शोल्डर पैड भी दिया हुआ है। अगर आप मेरे जैसे एक्स्ट्रा स्मॉल ऑर्डर करते हो या फिर स्मॉल ऑर्डर करते हो, तो प्लीज आप ये ना UK 4P में ही ऑर्डर करना। अमेजिंग फिटिंग है। मैंने देखा है कि उनके साइड पे एक व्हाइट कलर का और एक रेड कलर का है, तो मैं वो दोनों भी ऑर्डर करने वाली हूँ। अगर कोई डिस्काउंट मिलता है तो पक्का मैं ऑर्डर करने वाली हूँ। आप इसको ब्लू जीन्स के साथ, ब्लैक जीन्स के साथ, ट्राउजर के साथ ट्राई कर सकते हो। मैं इतना बोल सकती हूँ, आप किसी के साथ भी स्टाइल करो, बहुत ही अच्छा ही दिखेगा क्योंकि ये ऐसा चीज है ना जो कम्प्लीमेंट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे चीजों को ही कम्प्लीमेंट करेगा। आप अगर ब्लेजर लेने के लिए सोच रहे हो और मेरे जैसे स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल वाले हो, देन गो फॉर साइज UK 4P। ये पूरे हॉल में से जो लास्ट टॉप है
वो है ये टॉप जो मैं पहन के रखी हूँ, ये पोलो टॉप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अगर ये मुझे व्हाइट कलर और रेड कलर में भी दिखता है ना तो मैं पक्का ऑर्डर करने वाली हूँ। थोड़ा बहुत तो स्ट्रेचेबल है, फुल स्लीव है और ट्रांसपेरेंट तो एकदम भी नहीं है। मेरा जो साइज है वो एक्स्ट्रा स्मॉल, आप इसको जीन्स के साथ, ब्लू जीन्स के साथ, ब्लैक जीन्स के साथ पहन सकते हो। ऊपर से एक ब्लेजर डाल दो और क्या चाहिए। और मैं इतना बोल सकती हूँ, मैं अभी पहन के रखती हूँ तो मुझे एकदम भी ठंड नहीं लग रही है और मेरे घर में कुछ भी हीटर वीटर नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर, बट अभी मुझे ये पहनने के बाद ठंड नहीं लग रही है। और फिटिंग्स भी आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से फिटिंग्स हो रखी है। आप इसको स्टाइल कर सकते हो ब्लू जीन्स के साथ, ब्लैक जीन्स के साथ, ऊपर से एक ब्लेजर डाल दो, बहुत ही अच्छा दिखेगा। और यहाँ पे आप लेयर ज्वेलरी भी लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा दिखेगा। एक हाई वेस्टेड ब्लैक जीन्स भी मैंने ऑर्डर किया था, मैं बहुत सालों के बाद ब्लैक जीन्स ऑर्डर की हूँ। इसका जो फिटिंग्स है वो बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। मटेरियल जो है वो ज्यादा स्ट्रेचेबल नहीं है बट अच्छे से फिट हो जाता है। और मेरा जो साइज है वो है UK 8, और ये थोड़ा बहुत लंबा होता है बट इट्स ओके क्योंकि मैं शॉर्ट हूँ तो कुछ नहीं कर सकते। मुझे एक जो चीज पसंद नहीं आती है, ये यहाँ पे ना ऐसे पॉकेट का डिजाइन दिया हुआ रहता है बट पॉकेट होता नहीं है, और अच्छे से ये फिटिंग भी हो जाता है। तो ये जेट ब्लैक में है, बहुत ही एक अच्छा परचेज था। इस हॉल वीडियो का जो लास्ट चीज दिखाने वाली हूँ ना वो मेरा फेवरेट है, वो है बूट। फाइनली मैंने बूट ऑर्डर कर दिया है। बूट्स का भी मुझे बहुत ज्यादा शौक था ब्लेजर के जैसा ही, और मैं कभी ट्राई भी नहीं की थी बूट्स शोरूम में जाके, मुझे नहीं पता है कि बूट्स कैसा मेरे ऊपर दिखता है। बट मैंने बोला चलो ठीक है ले लेते हैं, फिटिंग्स होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो रिटर्न कर देंगे। बट ये बहुत ही अच्छे से परफेक्टली मुझे फिट आया है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बूट से, एकदम भी हैवी फील नहीं होता, अच्छे से आराम से चल पाओगे। और जो मेरा साइज है वो है 36, बहुत ही अच्छे से परफेक्टली फिट होता है। मुझे ऐसे बूट्स का शौक बहुत दिनों से था, मुझे और भी बूट्स चाहिए वाइट कलर में और भी डिफरेंट कलर में, तो मैं पक्का ऑर्डर करने वाली हूँ अभी H&M से। ऑफर दिखाने के मैं ऑर्डर करने वाली हूँ क्योंकि अब तो मुझे पता चल गया है कि उनकी क्वालिटी कैसा है, बहुत ही अमेजिंग मुझे सारे प्रोडक्ट्स लगे हैं। सो लास्टली मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने H&M से ऑर्डर किया है। इनके जो क्वालिटी है, इनका जो मटेरियल है, इनका जो फिटिंग्स है, सुपर्ब है। अगर आप मेरे जैसे पतले हो, आपको एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल भी अच्छे से फिट नहीं होता है, आप इनके कपड़े ट्राई करके देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप पैसा ही फेंकोगे, आपको अच्छे क्वालिटी का अच्छे फिटेड कपड़े मिलेंगे। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि फाइनली मुझे एक ऐसा ब्रांड मिल गया है जिसको कपड़ा पहन के ना मैं अच्छा दिख सकती हूँ। नहीं तो मैं सच में वो बताओ तो मुझे ऐसे कोई कपड़े मिलते ही नहीं थे जिसको पहनने के बाद मैं खुश हूँ, मैं कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, ऐसा नहीं होता था। यहाँ पे जो कपड़े हैं वो स्टाइलिश भी है, अच्छे क्वालिटी का भी है और प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो आप डिस्काउंट पे आप भी ले सकते हो, उनमें तो हमेशा सेल लगा हुआ रहता है। और इनका जो सर्विस है वो भी बहुत अच्छा है। तो मैं बोलूंगी कि आपने तो ये वीडियो देख लिया है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है ना तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो मेरे जैसे हैं पतले और शॉर्ट, तो उनके हेल्प हो जाएगा। और ना नेक्स्ट वीडियो आने वाला है ज्यादा हॉल वीडियो, वहां पे तो कुछ और ही किस्सा है वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।